मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर पूनम चौहान जी से, जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। और आज जो वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है, जानना चाहेंगे उनकी प्रतिक्रिया और क्या इसकी उपयोगिता है, जानते हैं। महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद उत्सव हर साल की तरह ही मनाया जा रहा है और बच्चे इसमें इंडोर आउटडोर सारे गेम्स कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो अपने अंदर इतना आत्मविश्वास ला पाते हैं इन गेम्स के माध्यम से कि वो आगे बढ़ सके। आगे वो जिसकी जिस खेल में रुचि होगी वो भी उसी क्षेत्र में आगे जाएंगे और आगे बढ़कर नाम कमाएंगे। और हमारे बच्चे पूर्व से ही अपना नाम कमाते चले आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से नाम रोशन करेंगे। बच्चों में बहुत उत्साह और ऊर्जा इस समय देखने को मिल रही है। चारों तरफ बच्चे बिखरे हुए हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं गेम्स का, तो बहुत अच्छी हमें एक भविष्य दिखाई दे रहा है इनके अंदर कि ये अपना इस क्षेत्र में भी नाम कमा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैम का भी यही कहना है कि टैलेंट आगे आए और उनके टैलेंट को निखारने के लिए, उनके टैलेंट को पहचानने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और इसी प्रकार हमारे जो देश में जो युवा हैं आगे आए और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। आज मैं पहुंचा हूं SBD डिग्री कॉलेज में, जो जहां पे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और बात कर रहा हूं अर्चना मैम से, जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं। क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या इसका मोटिव है? मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया पर। तो जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, क्या सारा प्रोग्राम है और क्या इसका उद्देश्य है? हमारे महाविद्यालय में हमेशा हर साल हम लोग एक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अच्छे से अच्छे खिलाड़ी जो हैं प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि ये महिलाओं का कॉलेज है और यहाँ पर थोड़ा सा खेल का, हमारे धामपुर में खेल का माहौल नहीं है ऐसा कह सकते, उसको डेवलपमेंट के लिए हम खूब कोशिश करते हैं और उसी के तहत हम ये काम करते हैं कि वार्षिक खेलकूद में अलग अलग प्रतिभाएँ हमें मिलती हैं अलग अलग गेम के माध्यम से। तो आज के प्रोग्राम में हमारे यहाँ पे प्रपोज हैं लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है और वॉलीबॉल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैरम और शतरंज भी था और हमारा एक ताइक्वांडो का डेमो भी है, बैडमिंटन है और टेबल टेनिस। इस तरीके से हमारे पास 10 इवेंट हमने किए हैं। एथलेटिक्स हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ग्राउंड की थोड़ी सी कमी है, वो हमारी एक कमी रह गई है, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे महाविद्यालय के छात्रों को एक खेलकूद का माहौल मिले और जिससे वो अपने आप को प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, तो देखिए इस एक्टिविटी का जो उद्देश्य है वो स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट करना है, साथ ही साथ नए टैलेंट्स को आगे लाना है जो और आगे अपना कैरियर स्पोर्ट्स में आगे लेके जा सके और देश को, प्रदेश को नया टैलेंट मिल सके। प्रोग्राम को मैं यहाँ आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम का स्वागत करें। जैसे कि हमारा महिला महाविद्यालय है, उनकी हमारी खुशकिस्मती है कि जो हमारे